तो हेलो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और नई ट्रेन जर्नी को लेकर। दोस्तों फिलहाल मैं अभी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज ट्रैवल करने वाला हूँ एक लीजेंडरी ट्रेन में, ट्रेन नंबर 12612 यानी कि चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि इंडियन रेलवेज़ की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग गरीब रथ एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट गरीब रथ है अपनी चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस। तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस और मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ भाई प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:53 दोपहर के और ये अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस शंट की जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। भाई अपने न्यू LHB कोचिस के साथ शंट की जा रही है अपनी चेन्नई गरीब रथ। भाई तो भाई आपको पता है जो मतलब पहले गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई जाती थी वो हरे रंग के कोचिस के साथ चलाई जाती थी, बट अभी 4 महीने पहले अपनी जो चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस है इसको LHB कोचिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये पूरे 3rd AC इकोनॉमी के कोचिस के साथ चलाई जाती है, तो भाई इसीलिए इसे आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस को। अगर बात कर ली जाए अपनी ट्रेन नंबर 12612 यानी कि चेन्नई गरीब रथ की, भाई एक 2175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये 29 घंटे 35 मिनट में और वो भी 10 हॉल्ट्स के साथ। मेरे पीछे देख लो आप लगी अपनी न्यू LHB कोचिस वाली चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस और भाई ये बहुत ही बेटर कनेक्टिविटी एंड फास्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है अपनी भारत की राजधानी दिल्ली की चेन्नई के साथ। तो दिखाते हैं आपको आज कौन सा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को पुल करने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं भाई लोकोमोटिव की ओर। तो दोस्तों ये आज WAP 7 हमारी ट्रेन को गरीब रथ एक्सप्रेस को पुल करने वाला है भाई चेन्नई तक। तो दोस्तों आज का जो हमारा कोच है वो G11 और देख लो अपनी ये न्यू LHB कोचिस का खड़ी हुई चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई जो कि, और इंटीरियर दिखाऊंगा भाई मैं आपको डिपार्चर के बाद। तो दोस्तों पूरे डॉट ऑन टाइम है यहाँ पे हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस ने लिए डिपार्चर हजरत निज़ामुद्दीन से। और ये सामने खड़ी है भाई सिकंदराबाद दुरंतो। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस ने ले लिया डिपार्चर अपना हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और अगर अब इसकी टाइमिंग एंड शेड्यूल्स की बात की जाए तो भाई हफ्ते में एक दिन चलती है मंडे को दोपहर के 3:35 में निकलती है अपने दिल्ली के हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और अगले दिन रात के 9 बजे पहुँचाती है हमें MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई के। तो दोस्तों ये जर्नी के दौरान टोटल 10 हॉल्ट इसके रहने वाले हैं और ये अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी एवरेज जो स्पीड है वो रहेगी 74 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड रहेगी इसकी 130 किलोमीटर पर आवर। भाई देख लो क्या ही तांडव देखने को मिलने वाला है इस अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस का। तो बाकी अगर इसकी मैं कैटरिंग सर्विसेज की बात करूँ तो इसमें आपको पेंट्री कार देखने को नहीं मिलेगी, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सर्विसेज देखने को मिलेगी। और भाई जो अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट रहने वाला वो रहने वाला भाई आगरा कैंट जो कि 188 किलोमीटर दूर है। भाई देख लो तब तक तांडव आप। अगर इंटीरियर की बात कर ली जाए अपने चेन्नई गरीब रथ की तो यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेंगे एक साइड और एक यहाँ पे, पूरा एडवांस कोच है 3rd AC इकोनॉमी का। और सबसे अच्छी बात ये है गरीब रथ में मतलब पहले मिडल में भी बर्थ होती थी साइड मिडल, बट अब ये जो इकोनॉमिक कोच लगे हैं इसकी वजह से अभी यहाँ पे आपको 2 ही बर्थ देखने को मिलेंगी और बाकी साइड जैसे 3rd AC का कोच होता है पूरा वैसा ही देखने को मिलेगा। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी है अपनी चेन्नई गरीब रथ। और भाई आज मेरे को मिली है साइड अपर और सीट नंबर है मेरा 16। वही ये सीट मिली है साइड अपर, देख लो यहाँ पे आपको AC वेंट्स भी देखने को मिलेंगे, फ़ोन होल्डर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्विच लाइट रीडिंग लाइट भी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस टाइप का भाई इंटीरियर अपने चेन्नई गरीब रथ का।
तो यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी स्किप करने वाली है मथुरा जंक्शन को, थोड़ी धीमी होगी है भाई। ये कर दिया भाई स्किप मथुरा जंक्शन, और ये ओवरटेक भी मार दिया भाई मथुरा पे गो एक्सप्रेस को। पैरेलल हमारे साथ एक और ट्रेन अराइव कर रही है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर एक्सप्रेस। तो भाई यहाँ पे अपनी जो चेन्नई गरीब रथ है वो पहुँच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पे, जिसका नाम आगरा कैंट, जिसका स्टेशन कोड IGC। अगर बात की जाए आगरा की आता है यूपी में, तो भाई स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए अपने यहाँ पे ट्रेन की पहुँचने की, तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 5:30 बजे, अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँचे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे। तो 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद दिखाते डिपार्चर। और आपको पता ही होगा भाई आगरा जो है फेमस है अपने ताजमहल के लिए, और आगरा को पेठे के लिए भी जाना जाता है, यहाँ का जो पेठा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट था, बट 14 मिनट डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन यहीं पे खड़े खड़े, अपने निर्धारित समय से 14 मिनट की डिले के साथ ले रही है डिपार्चर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों आपको आगरा कैंट में खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बहुत से स्टॉल्स हैं भाई इधर। और भाई देख सकते हो आप आगरा कैंट पे गोंडवाना एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम, दूसरा ओवरटेक है इस ट्रेन का ये, और उसके सामने वो खड़ी है भाई गतिमान एक्सप्रेस। भाई जो भी मतलब मेरे जो बर्थ का जो सॉकेट था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं ना इसमें मैंने कॉल किया था, इलेक्ट्रिकल जो स्टाफ थे वो भी आए थे और उन्होंने पूरा जो सॉकेट है वो ठीक कर दिया। अगर आपका भी मतलब ऐसे सॉकेट वगैरह वर्क नहीं कर रहा, तो आप भी कॉल करके जो अपनी समस्या का हल है वो करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया अभी, जो हमारा सॉकेट है वो पूरा वर्क करने लगा है, क्योंकि भाई चार्जिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को। तो राजधानी एक्सप्रेस सिकंदराबाद दुरंतो भाई हमारे पीछे पीछे चली थी और हमें यहाँ पे ओवरटेक कर गई।
ग्वालियर से पीछे कोई रेलवे स्टेशन है मुरैना में, और यहाँ पे मतलब हमारी ट्रेन जो कब से खड़ी है 40 से 45 मिनट लगभग डिले चल रही है भाई अभी, ये देखते हैं अभी और कितनी लेट होगी यार। और बाकी अभी आपने देखा पहले जो राजधानी एक्सप्रेस हमें क्रॉस होके गई, और इसके बाद अभी सिकंदराबाद दुरंतो ने ओवरटेक किया हमें, देखते हैं अब आगे और कौन कौन सी ट्रेन के साथ टक्कर होने वाली है हमारी। भोपाल शताब्दी भाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट हो चुके अपनी ट्रेन को डिले होते हुए, वहीं पे खड़ी है भाई बिरला नगर में कब से। अभी सीआर राजधानी जस्ट हमें ओवरटेक करके गई भाई, बाकी ट्रेन्स को ओवरटेक मिल रहे हैं बट ये वहीं की वहीं खड़ी है भाई। 6:53 पे टाइम था इसका ग्वालियर पहुंचने का, बट अभी टाइम दिखाता हूँ 8:51 हो रहे हैं भाई, अभी तक ग्वालियर ही नहीं पहुँची है। देखते हैं भाई कब पहुंचेगी ग्वालियर, सीधा मुलाकात करेंगे आपसे ग्वालियर पे। हजरत निजामुद्दीन से 306 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे हमारी चेन्नई गरीब रथ पहुंच चुके अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना ग्वालियर जिसका स्टेशन कोड है GW। अगर बात करो टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 190 ट्रेन से यहाँ प्रतिदिन आकर के रुकती है और 18 ट्रेन से यहाँ टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट होती है अपने ग्वालियर जंक्शन से। और अगर भाई लाइन्स की बात करो, यहाँ से एक लाइन चली जाती है गुना जंक्शन की, और एक लाइन यहाँ से गई है भाई अपने भोपाल की और जहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन दोस्तों यहाँ से आगरा से आ रही है, और एक लाइन यहाँ से इटावा जंक्शन की ओर भी गई है। तो इतनी ज़्यादा लाइन्स आने के बाद ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जंक्शन बन जाता है। 2 घंटे 20 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं ग्वालियर, 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। कुछ बताऊँ तो भाई सभी पैसेंजर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुके हैं भाई, क्योंकि 2 घंटे ट्रेन ग्वालियर के पीछे खड़ी रही। क्या ही बताऊँ भाई, बहुत बुरी हालत होगी ना, मतलब कोई खाने वाला वेंडर आया ना, पानी वाली बोतल मिली, कुछ भी नहीं मिला था भाई, बहुत मुश्किल से ग्वालियर पहुँचे। अब हमारा जो डिनर है मैंने ऑर्डर किया था झांसी से, अब देखते हैं भाई अब ऑर्डर आता है यहाँ कैंसिल कर देते हैं वो, अगर कैंसिल कर दिया तो फिर वहीं से कुछ खाने के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है बस। तो चलते हैं वापस और दिखाते हैं डिपार्चर अपना ग्वालियर जंक्शन से। निर्धारित समय से 2 घंटे 50 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन अपनी थर्ड ऑफिशियल हॉल्ट पे पहुंच चुकी है। इसका स्टेशन कोड है VGLG और नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। और अगर बात की जाए झांसी जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन चली जाती है भाई मानिकपुर की, और एक लाइन यहाँ से कानपुर सेंट्रल की ओर गई है, और एक लाइन यहाँ से बिना होते हुए भोपाल की ओर गई जहाँ पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से आ रही है अभी मथुरा से। तो इतनी ज़्यादा लाइन्स जाने के बाद अपना झांसी जंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जंक्शन बन जाता है। और अगर यहाँ से प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 290 ट्रेन से यहाँ प्रतिदिन आकर के रुकती है, और 18 ट्रेन से यहाँ से टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट होती है। बस 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और जो डिनर ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है भाई, सीट पे रख के चला गया बंदा। तो दिखाता हूँ पे डिनर में हमने क्या मंगवाया था, तो
तो भाई अभी जो अपनी गाड़ी है 2 घंटे 50 मिनट की डिले के साथ चल रही है, और अगला जो हॉल्ट है वो आएगा भोपाल। देखते हैं भाई सुबह तक गाड़ी जो अपना टाइम वो कवर कर पाती है या नहीं। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:13, और ये मतलब 8:10 पे आने वाला था खाना। KFC से हुआ था बिरयानी, और ये कोक थी। जो कोक है भाई वो पूरी हो चुकी है गर्म, और ये खाना जो पूरा ठंडा हो चुका है। तो करता हूँ उसको अनबॉक्स और दिखा। तो भाई ये अपनी चिकन बिरयानी, और ये वेज, और ये चिकन पॉपकॉर्न है। बढ़िया है भाई, बट ठंडा हो चुका है ये। बाकी KFC से मंगाया, बढ़िया ही होगा। तो भाई जल्दी से करता हूँ इनको फिनिश में, फिर से तो मिलता हूँ भाई आपको। डिनर है वो चुका कंप्लीट, और अगर आपको मैं बाहर का इंटीरियर दिखा दूँ अपने कोच के, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिल जाएगा जो कि क्लीन है, और यहाँ पे आपको वॉश मशीन देखने को मिलेगा, यहाँ डस्टबिन, फायर एक्सटेंशन और एक्स्ट्रा पॉलीथीन दिखेंगे भाई गार्बेज के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगा भाई स्मोक डिटेक्टर। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मेरे को भाई, ये जो लाइट्स LED लाइट्स राइट साइड में है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इसी के साथ भाई देख लो इसकी कुछ हालत ऐसी हो चुकी है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेन का हर वक्त मतलब नेगेटिव चीज़ें ही बताता है भाई। तो भाई ये हाल है तो क्या बताऊँगा भाई मैं आपको, बताओ फेक और ना बताऊँगा यार। चलो चलते हैं वॉशरूम की कंडीशन बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी इस ट्रेन के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। अगर इसकी कंडीशन की बात करूँ तो भाई सामने एक साफ सुथरा मिरर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में वॉश मशीन देखने को मिल जाएगा जो भी क्लीन है। सामने लाइट, एग्जॉस्टर, स्मोक डिटेक्टर, और यहाँ पे होल्डर्स, ये लॉक, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सोप देख लो जो कि है वर्किंग कंडीशन में, और जो वाटर है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। अगर बात करूँ भाई वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम की, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का। अगर रेटिंग की बात करूँ तो उसे 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा। बाकी भाई जो इंटीरियर है वो भी अच्छा है, बस थोड़ा ट्रेन का जो बाहर वॉश मशीन वाली साइड थोड़ी गंदगी हुई है, वो भी पैसेंजर्स द्वारा ही हुई है। बस यही है कि साफ़ सफाई नहीं की गई वहाँ पर। बाकी एकदम ओके है भाई साफ़ सफाई में अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। अभी टाइम हो रहा है 11:38, और जो पैसेंजर्स हैं मैक्सिमम वो सो चुके हैं भाई, देख लो आप। और भाई मैं उठाऊँ तो भाई अब चलते हैं, सोने टाइम हो चुका है सोने का, और मिलेंगे आपको सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. अगर हमारी ट्रेन मतलब टाइम पे चल रही होती तो आपको ये जो व्यू है नहीं दिखा पाता, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो सुबह 5 बजे नागपुर पहुंच जाती, और अभी 6 घंटे डिले हो चुकी है, तो सनराइज है वो भी हो गया है। तो तभी आपको ये जो घाट सेक्शन के व्यू है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इन्जॉय करो भाई मेरे साथ ये घाट सेक्शन का व्यू।
नागपुर साधु निर्धारित समय से 6:30 की देरी से हम लोग पहुंच चुके अपने ट्रेन के 5वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना नागपुर इसका स्टेशन कोड है NGP। और अगर बात करूं यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह 5:05 पे पहुंचने का टाइम था, बट 6:25 डिले हो चुके हैं हम लोग। और अगर मैं बात करूं भाई, अब यहां से हम अपनी जो ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं, और अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो जर्नी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बट ये थोड़ी पहली बार लेट हुई, बहुत रेयर चांसेस है इसके लेट होने की, तो आज ही ये लेट हुई है। वैसे ट्रेन ओवरऑल अच्छी है भाई, मज़ा आया जर्नी करके, तो आराम से भाई आराम से। भाई ऐसी गलती मत करना आप कभी भाई, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मतलब कल रात की ट्रेन भोपाल से छुट्टी थी, उसके बाद कुछ खाने को नहीं आया था, तो अभी नागपुर आया था, तो इसलिए सभी पैसेंजर्स को लगी थी भूख, तो सभी उतरे थे भाई कुछ खाने के लिए। तो बाकी अगर मैं बात करूँ अपनी ट्रेन का, होगी कुछ पता नहीं चला मेरे को कि मतलब मैनुअल फॉल्ट की वजह से लेट हुई, हाँ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। वैसे रवाना हो चुकी है MGR चेन्नई सेंट्रल के लिए, हमारी चेन्नई की रीप्रेस एक्सप्रेस। कैसी लगी आपको जर्नी? अगर आपको जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे आपको एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ।